दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम गर्ल और शोले की बसंती हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी को तो आप जानते होंगे, जो धर्मेंद्र की वाइफ भी हैं और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी है। तो इस वीडियो में हेमा मालिनी की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको हेमा मालिनी पसंद है तो इस वीडियो कर देना लाइक। हेमा मालिनी का फुल नेम है हेमा मालिनी चक्रवर्ती और निक नेम है ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर और पॉलिटिशियन है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अमानकुड़ी तमिलनाडु में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 73 साल की हैं। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और हेमा मालिनी आंध्र महिला सभा जाती थी अपना फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ने। वैसे इन्होंने पढ़ाई सिर्फ 11वीं क्लास तक ही की है, क्योंकि फिर ये एक्टिंग की दुनिया में चली गई अपना करियर बनाने के लिए। हेमा मालिनी का फिल्मों में सफर आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वालों में से नहीं थी और वो आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली हैं और उनका रोल वेन निर्दय निर्मला को दे दिया गया। वैसे हेमा मालिनी का फिल्मी करियर तमिल फिल्म पांडव वनवासम के साथ 1961 में शुरू हो गया था। इसके बाद हेमा ने तमिल फिल्म इधु साथियम के गाने में परफॉर्म किया। हेमा ने तमिल सिनेमा में मिले रिजेक्शन के 4 साल बाद राज कपूर के सामने सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। राज कपूर उस समय फिल्म जगत में सुपरस्टार थे और ऐसे में हेमा को उनकी फिल्म में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी और बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1972 में हेमा ने फिल्म सीता और गीता में काम किया, जिसके बाद इनको एक अलग पहचान मिली। और फिर 1975 में हेमा को शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिली और इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया और हेमा मालिनी को बसंती के नाम से पहचान लगे। दोस्तों, 1977 में हेमा की ड्रीम गर्ल फिल्म आई, जो कि उनकी अब तक की सबसे अलग फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया। समय के साथ हेमा ने कई तरह के किरदार निभाए और कई हिट फिल्में दी, जैसे कि सत्ते पे सत्ता, अंधा कानून, हम दोनों, सीतापुर की गीता, दुर्गा और मोहब्बत के दुश्मन। दोस्तों, हेमा मालिनी के इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने के बाद भी इनकी एक्टिंग और एनर्जी में कोई कमी नहीं आई और हेमा ने 2003 में बागबान और 2006 में बाबुल फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और इस जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। वैसे इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ टाइम का ब्रेक लिया, लेकिन 2020 में इनकी फिल्म आई शिमला मिर्च। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। और वहीं मैं आपको बता दूं, हेमा मालिनी ने 1999 में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की और उसके बाद 2004 में इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और इलेक्शन लड़ी। चलिए मिलवाते हैं आपको हेमा मालिनी की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है VSR चक्रवर्ती और इनकी मदर का नाम है जया लक्ष्मी चक्रवर्ती और इनके दो भाई भी हैं, जिनका नाम है RK चक्रवर्ती और दूसरे भाई का नाम है RJ चक्रवर्ती। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने 1980 में धर्मेंद्र से शादी की, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। और इनकी दो बेटी हैं, जिनका नाम है ईशा देओल और आहना देओल। और इनके अलावा इनकी दो स्टेप डॉटर भी है, विजेता देओल, और दूसरी डॉटर है अजीता देओल। और दोस्तों, वहीं मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, सनी देओल और बॉबी देओल भी इनके सौतेले बेटे हैं, यानी स्टेप सन। अब बात करते हैं हेमा मालिनी के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, हेमा मालिनी जुहू मुंबई में रहती हैं और इसके अलावा इनका घर कई और स्टेट में भी हैं। अब बात करते हैं हेमा मालिनी के कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास कार है मर्सिडीज बेंज एम क्लास और इस कार की कीमत है 65 लाख रुपए। और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज E350D और इस कार की कीमत है 82 लाख रुपए। और तीसरी कार इनके पास है ऑडी Q5 और इस कार की कीमत है 56 लाख रुपए। और चौथी कार इनके पास है होंडा सेंटा फी और इस कार की कीमत है 30 लाख रुपए। और लास्ट कार इनके पास है MG हेक्टर और इस कार की कीमत है 14 लाख रुपए। अब बात करते हैं हेमा मालिनी के इनकम के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हेमा मालिनी एक फिल्म में काम करने के लिए लेती हैं 2 से 3 करोड़ रुपए और इन्होंने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जिससे वो अच्छा खासा इनकम कर लेती हैं।
बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग 250 करोड़ रुपए। तो ये थी हेमा मालिनी की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।